इलाहाबाद घूरपुर ओवरलोड बालू लदा ट्रक बिना रवन्ना के पकड़ा। घूरपुर इलाके से लगातार ओवरलोड बालू लादकर निकल रहे ट्रकों की शिकायत सुन सोमवार देर रात एसडीएम बारा सीओ करचना ने घूरपुर पुलिस के साथ घूरपुर के बालू के घाटों पर छापेमारी की। प्रशासनिक टीम की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। टीम को भीटा पावर हाउस के पास एक ट्रक ओवरलोड बालू लादकर बालू को तिरपाल से ढककर निकल रहा ट्रक दिखा। तभी एसडीएम की नजर पड़ गई और ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक को थाने लाकर उसके चालक समेत 5 लोगों के खिलाफ चोरी की, अवैध बालू लादकर बिना प्रपत्र के निकलने की धारा में केस दर्ज कर लिया गया। एसडीएम बारा डीएस पाठक सीओ करचना रत्नेश कुमार को कई दिनों से घूरपुर क्षेत्र से ओवरलोड बालू लादकर ट्रकों के निकलने की सूचना मिल रही थी। सोमवार रात लगभग 9 बजे दोनों अधिकारी घूरपुर थाने पहुंचे और वहां के प्रभारी ओम शंकर शुक्ला, खनन परिवर्तन दल गौरी शंकर त्रिपाठी को साथ लेकर बीकर, मोहनी का पूरा, कंजासा आदि कई घाटों पर छापेमारी की तो खनन माफिया एवं दलालों में हड़कंप मच गया। वहां से लौटते समय भीटा पावर हाउस के पास एक ट्रक ऊपर तिरपाल बांधा हुआ था को एसडीएम बारा ने देखा तो गाड़ी रोककर पुलिसकर्मियों को चेक करने के लिए कहा। पुलिसकर्मियों ने बताया कि उस पर बालू लाता है। इतना सुनते ही एसडीएम ने कहा इससे थाने ले चलो। थाने पहुंचने पर जब ट्रक चालक विनोद कुमार यादव पुत्र रामचरण निवासी बहललपुर प्रतापगढ़ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बालू बीरबल से रितेश द्विवेदी के मंडी से बालू लगा है। इंडिया टॉप न्यूज से संवाददाता रमाकांत यादव, इलाहाबाद।